नमस्कार, टीवी राजस्थान के ए प्रवासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलेंगे कमल जी भुतड़ा से, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के गड़ियाला गांव से है और युवा उद्योगपति है। तो कमल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। राजस्थान में आप कहाँ रहते थे, क्या करते थे, एजुकेशन वगैरह? वैसे राजस्थान में हम लोग बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, गड़ियाला एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, वहाँ से हम लोग। और स्कूलिंग और एजुकेशन सारी मेरी सूरत में ही हुई है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राजस्थान के साथ साथ मैं सूरती हूँ। और इसके बाद में हम लोग फिर यहीं से, स्टडीज़ के बाद में फिर यहीं पे सेटल हो गए, और बस ये है। तो सूरत आना कब हुआ आपका? सूरत पापा आ गए थे 1984 में, और हम लोग लगभग 86 में हम लोग आ गए थे। हम लोग, मैं, मेरे पूरी फैमिली, मतलब मम्मी, ब्रदर, सिस्टर सब आ गए थे 86 में हम लोग यहाँ से। तो हमने सुना है कि आप अखिल भारतीय महेश्वरी समाज संगठन के सांस्कृतिक विभाग के मेंबर है, तो उसके बारे में बताएं। एक बचपन से एक रुचि रही है समाज के अंदर सेवा करने की। मैंने मेरे दादाजी को देखा है, मेरे ताऊजी को देखा है, मेरे पापा को देखा है, और उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रेरणा दी है कि भी समाज के लिए अगर अपने पास में समय है, थोड़ा समय निकालना भी चाहिए, और भगवान ने अगर पैसा दिया तो लगाना भी चाहिए। तो उसी के प्रेरणा से आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे घर से हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है, और बस इस तरीके से समाज के अंदर मैं, मतलब हूँ, मैं एक्टिव हूँ। और आज ऑल इंडिया युवा संगठन हमारे जो महेश्वरी समाज का है, उसका मैं नेशनल कल्चरल सेक्रेटरी हूँ। और आप लोगों का सब अगर प्यार आशीर्वाद सब रहा, तो मैं 28 को यूनैनिमसली ऑल इंडिया का मैं यूथ प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ। तो आप एक उद्योगपति हैं, इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो बिजनेस और पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? यही तो एक कला है। मैं बिजनेस में, जैसे मॉर्निंग में जो भी मेरा रूटीन है, मैं इवन मेरा क्लब भी रेगुलर रूटीन से जाता हूँ। 6:30 आई वेक अप इन द मॉर्निंग, फिर मैं मेरे रूटीन में क्लब जाता हूँ। 9:30 क्लब से आता हूँ, फिर उसके बाद मैं बिजनेस, और दिन भर बिजनेस है। रात को वापस 9, 9:30, 10 बजे घर पे, और बीच में टाइम जो होता है वो स्पेयर करना पड़ता है। तो बिजनेस, फैमिली, और उसके अलावा थोड़ा समय निकाल के मैं समाज के लिए मैं देता हूँ। तो ये मैनेज करना वैसे तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बस वही चीज़ है, रूटीन सब सेट है। मुझे याद नहीं है संडे को, आज जैसे संडे है, आप लोग आए हुए हो, तो मैं मेरी फैक्ट्री में ही हूँ। तो अभी इससे पहले मुझे पूछा गया कि आप फैमिली को टाइम कब देते हो, तो संडे को देता हूँ, बस और क्या। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं। फैमिली में मैं और मेरी इकलौती एक वाइफ है, और मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी डॉटर्स है और 1 मेरा सन है, और मेरा ब्रदर है, साथ में हम लोग रहते हैं, ब्रदर है, उसकी फैमिली, उसके 2 बच्चे हैं, पापा, मम्मी, वी आर अ जॉइंट फैमिली। हमारे टोटल जॉइंट फैमिली में अप्रॉक्स 35 मेंबर्स हैं हम लोग। ठीक है, इतने मेंबर्स एक फ्लैट में तो रहना मुश्किल है, तो 2-3 फ्लैट ले रखे हैं अलग अलग। मेरे ताऊ जी वगैरह सब साथ में हैं, वी आर टोटल 7 ब्रदर्स, क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो 7 ब्रदर्स है, और ये हमारी एक फैमिली है, और बस वही है। तो आप गड़ियाला गांव से हैं, तो हमें वहाँ के बारे में कुछ बताएं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ पर क्या होता था जो आज आप यहाँ रहकर उसे मिस कर रहे हैं? भाई, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं गांव में बहुत ज़्यादा रहा तो नहीं हूँ, लेकिन गांव में जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पीसफुल लाइफ है। और सूरत की जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में भाग दौड़ बस वही है, सुबह से शाम तक वही रूटीन है। गांव में जाते हैं तो सबसे पहले आदमी को अगर पीस चाहिए, तो आज के डेट में ये मोबाइल को बंद कर दो, वो पीस हो जाता है। गांव में वो पीस मिलता है, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी सब बंद हो जाती है वहाँ पे। और गांव में बहुत कम जाना आना है, गांव के अंदर कोई मैरिजेस या सोशल फंक्शन हो से तो ही जाते हैं, अदरवाइज़ गाँव में जाना आना बहुत कम है। गाँव अच्छा लगता है, छोटा सा गाँव है, और हमने तो गाँव में ऐसा देख रखा है कि भाई कभी, जैसे हम लोग वैकेशन में जाते थे, जब हम लोग स्टडीज़ करते थे, तो उस समय गांव में लाइट वगैरह भी नहीं रहती थी। आज भी राजस्थान थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बैक है, और क्योंकि गुजरात में हम रह गए हैं, तो गुजरात की लाइफस्टाइल इस तरीके से हो गई कि आप दूसरी जगह एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे। तो आप इसके अलावा कौन कौन सी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं? मैं यहाँ के साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसका मैं मेम्बर हूँ। साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन है, उसका मैं मेम्बर हूँ। उसके अलावा लायंस क्लब है, हमारी यहाँ की महेश्वरी स्कूल है, उसमें मैं ट्रस्टी हूँ।
और ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी जगह से मैं एक्टिव हूँ। मतलब हमारे महेश्वरी सेवा सदन है ऑल इंडिया के, उसका मैं ट्रस्टी हूँ, पापा ट्रस्टी है। पापा हाल फिलहाल महेश्वरी भवन के प्रेसिडेंट है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसके साथ मैं अटैच हूँ। अब मैं अगर बोलने लगूंगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो ये शॉर्ट है जो जो जहाँ बहुत ज़्यादा समय मतलब इन संस्था में ही दे सकता हूँ, और संस्था में मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? कहाँ, सूरत में? यहाँ आके नहीं है, मैं तो सूरती हो गया हूँ, मैं तो सूरती थी गया जाए, इसलिए तो यहाँ आने का नहीं लग रहा। अब मेरे को राजस्थान, आप ये पूछो मुझे राजस्थान जाने में कैसा लगता है, तो राजस्थान जाता हूँ तो अच्छा लगता है। ये अब सूरत अपना घर है। मैं जैसे पहले बताया था कि भी सूरत में रह गए तो अब दूसरी जगह लाइफस्टाइल, मैं थ्रू आउट इंडिया घूम लिया, अब्रॉड भी घूम लिया, लेकिन सूरत जैसी लाइफस्टाइल मुझे कहीं नहीं लगती है। तो सूरत, आई लव सूरत। नहीं, इसमें ऑडियो नहीं आता है ना, इसके लिए चलता है। आज हम बात कर रहे हैं थे कमल जी पुतड़ा से। तो आज हम बात कर रहे थे कमल जी पुतड़ा से कि जो एकलव्य इंडस्ट्रीज के एमडी हैं। तो कमल जी, आप हमें ये बताएं कि हमने आपके प्रोसेस हाउस देखा, काफ़ी मशीनरीज देखी, अच्छी तरह से वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से ये सब मैनेज करते हैं, वर्कर्स को किस तरह से स्पेस देते हैं? एकलव्य इंडस्ट्रीज, अभी आपने राउंड लगा के देखा होगा, तो हमने जो मशीनरीज, हमारा एक विज़न था इस फैक्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, एक विज़न था हमारा कि फैक्ट्री ऐसी होनी चाहिए जो सूरत में, लोगों ने देखा होगा अभी तक तो जो इससे पहले जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्री का एक सेटअप अलग था, लोगों की सोच अलग थी। हम विज़न लेके आए थे कि भाई हमारी फैक्ट्री में, हमने लेबर्स का ध्यान रखा कि भाई इसमें वेंटिलेशन फुल होना चाहिए लेबर्स को,
उसके बाद में हमने हर तरीके से मशीनरीज, अगर आप देखेंगे तो मशीनरीज हमने इम्पोर्ट की है, ताइवान से हमने की है, कोरिया से की है, चाइना से की है। तो मशीनरी साइड हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया किया। और अगर आपने बिल्डिंग देखी होगी तो बिल्डिंग कोई भी हमारे ये लेबर हैं 800 लेबर इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, 800 के 800 लेबर के ऊपर कोई के भी आप सर के ऊपर पसीना नहीं बता सकते, तो क्योंकि हमने एक वेंटिलेशन रखा है। और ये फैक्ट्री करने के बाद में लोगों ने जब ये देखा कि भाई ये डिज़ाइन ऐसी है, तो लोगों ने सोचा कि अच्छा डाइंग प्रिंटिंग प्रोसेस ऐसा भी होता है। तो उसके बाद में लोगों की भी सोच भी बदल गई इस फैक्ट्री को देखने के बाद में। पहले पीपल वेर वेरी कंजर्वेटिव, बोले कि हमें खर्चा कम करना है, काम करना है। हम लोग पहले इन्वेस्टमेंट ये है, हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट पहले ज़्यादा करते हैं ताकि क्या है बाद में उसका बेनिफिट मिले। एंड टुडे आई कैन टेल दैट कि भी उसको हमको बेनिफिट भी मिल रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट में ऐसा है कि भाई वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट। हमने हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उनको पहले से ही बोल रखा है कि क्वालिटी के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। स्टैंडर्ड बिल्कुल, कोई भी रॉ मटेरियल है तो हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। कहीं पे भी क्वालिटी बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं है। भले हमारी कॉस्टिंग में आवे नहीं आवे वो सेकेंडरी मैटर है, क्वालिटी एक सेकेंडरी मैटर है, क्वालिटी हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट वी आर नॉट इन अ प्रोफेशनल वे, बट वी आर इन अ वेरी सेमी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो हमने नीचे जैसे हमारे हायर कर रखा है मैनेजर वगैरह जो भी स्टाफ है, तो दे आर वेरी मच टैलेंटेड। तो वो MBA है बाई प्रोफेशनल डिग्री और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो ही लुक्स आफ्टर। और नीचे भी जो स्टाफ है टैलेंटेड है, सारा स्टाफ एकदम अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, सब प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। मतलब प्रोफेशनली नहीं बोल सकते, सेमी प्रोफेशनली मैनेज हो रहा है। तो कमल जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के हमको इच्छी, तो कमल जी आप हमें ये बताएं कि आपने ये एकलव्य इंडस्ट्रीज कब शुरू की थी? एकलव्य इंडस्ट्रीज हमको इस मार्च के अंदर 5 साल कंप्लीट हो गए। और ऐसे हमारे 4 प्रोसेस हाउस है, एकलव्य मैं देखता हूँ, 2 प्रोसेस हाउस मेरे छोटे भाई देखते हैं, 1 प्रोसेस हाउस है जो हमारे दूसरे मैनेजर है वो देखता है। तो 4 प्रोसेस हाउस है हमारे। और फ्यूचर प्लानिंग में ऐसा है कि भी वी आर इन प्लानिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन। हम लोगों ने अभी टेक्सटाइल के अलावा, जैसे हम लोग एक अभी लेमिनेट्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, और लेमिनेट्स की फैक्ट्री हमारा काम चालू है और विद इन 2 मंथ्स हम लोग उसका प्रोडक्शन ले लेंगे। और लेमिनेट्स के अंदर आई कैन टेल यू कि भी पैन इंडिया के अंदर इफ़ यू गो थ्रू, तो पैन इंडिया के अंदर हमारी उस फैक्ट्री के अंदर सिंगल यूनिट, इफ़ यू लुक टू अ सिंगल यूनिट, तो वी विल बिकम द हाइएस्ट और लार्जेस्ट प्रोडक्शन यूनिट। तो हमारी वो फैक्ट्री जो है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो जाएगा उसके अंदर, अगर सिंगल यूनिट में देखें तो। अदरवाइज अगर एक ही कंपाउंड में 3 फैक्ट्री है तो 3 फैक्ट्री के अंदर लोगों का ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सिंगल यूनिट में हमारा ज़्यादा है। एक वो हमारा लेमिनेट्स की फैक्ट्री हो गई, और दूसरी तरफ हमने एक डाइवर्सिफिकेशन में कर रखा है, स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग अभी एंटर किए हैं। स्मार्ट मीटर टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई दैट वो 2020 का फ्यूचर, मतलब 2020 में वो टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड है। एंड शॉर्ट टाइम के अंदर 2-3 साल में, 5 साल में वो स्मार्ट मीटर थ्रू आउट वर्ल्ड वो भी आपको देखने को मिलेगा। वो हमारी कंपनी के 2 इनिशिएटिव है ये। तो कमल जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।